अगर आप अपने मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, दुबई, सऊदीया, यूरोप कंट्रीज़ कहीं भी रह रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं, अपने मुल्क से बाहर रह के, परदेश में रह के, तो मोहब्बत कभी भी मत करना, क्योंकि अगर आप मोहब्बत करते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं बन पाएंगे, कभी कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत छोड़ दें, क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ आर्जी तौर होता है, आर्जी तौर होती है ये। अगर आप कुछ बन जाएंगे, जब आपसे कुछ बनने वाले हो जाएंगे, तो ये मोहब्बत सिर्फ आपका सिर्फ उंगली थामेगी, हाथ भी नहीं, सिर्फ आपकी उंगली थामेगी। क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है, मोहब्बत आजकल का वो दौर चल रहा है कि जिसके पास सब हो तो मोहब्बत उसी से होती है, आजकल मोहब्बत वो नहीं रही पहले वाली। अगर आप अपने मुल्क से बाहर हैं तो फिर मोहब्बत कभी भी मत करना, अपने मकसद को, अपने फोकस को, जिस मिशन को आप अपने घर से निकल, घर से निकले हैं, अपने मुल्क से बाहर निकले हैं जिस मकसद को लेके, उसी मकसद पे रहें। ये मोहब्बतें फिर बहुत आती जाती रहती हैं, मोहब्बतें बहुत मिल जाएंगी आपको, मोहब्बत करने वाले भी आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी का, और पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं वो इसी तरह ही करते हैं कि दो चार पैसे आ जाते हैं, फिर वो मोहब्बत करने लग जाते हैं और फिर जो है कुछ भी नहीं कर पाते। उदारा अगर आप अपने मुल्क से बाहर रह रहे हैं तो फिर मोहब्बत कभी भी मत करिए, अपने हकीकी मिशन पे रहें, जो आप अपने घर से बाहर निकले हैं जिस मिशन को लेके, जिस अपने मकसद को लेके, अपने उसी फोकस पे रहें बस। अगर आप जो है दो चार पैसे कमाने के बाद अपने मकसद को भूल जाएंगे, अपने मिशन को भूल जाएंगे, तो मोहब्बत फिर आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ना आपको मोहब्बत मिलेगी ना आपको अपना मकसद मिलेगा। क्योंकि सिर्फ आप अपने मकसद पे फॉलो करें, अपने मिशन पे फॉलो करें, जिस मिशन को आप लेके घर से निकले थे, अपने अपनों से दूर, अपने बहन भाइयों से, अपने वालदैन से दूर आप अपने घर से निकले हैं, तो उसी मिशन पे रहें, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अपने ज़रूर मिशन तक पहुंचेंगे। और आपको एक बात बताऊं, जब आप अपने मिशन तक पहुंचेंगे तो आपको मोहब्बतें भी बेबहा मिलेंगी, बहुत सी मिलेंगी मोहब्बतें।